पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हाथरस में जिस तरह की घटना हुई है उससे हर कोई परेशान है और प्रदेश सरकार पर भी विपक्षी दलों की तरफ से निशाना साधा जाने लगा है। 19 साल की जो मासूम लड़की थी उसकी अब मौत हो चुकी है। पीड़ित परिवार लगातार मांग कर रहा है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और इसी दौरान बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी पीड़िता की मौत पर दुख जताया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद दलित पीड़िता की आज हुई मौत की खबर अति दुखद है। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करे व फास्ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द सजा सुनिश्चित करे। तो मायावती ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और युवती की मौत पर भी दुख जताया है। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करे।